Hello friends, a very happy new year 2020 to all my viewers and all my subscribers, and I welcome you to my health channel Health with Sonal. Friends, indigestion yani apach ya badhazmi ek kafi common problem hai. To is video mein main indigestion hone ke karan, iske symptoms aur treatment ke bare mein baat karungi. Indigestion ki problem se relief paane ke liye main aapke sath kuch bahut hi simple home remedies ya gharelu upay bhi share karungi. To dosto video ko pura zarur dekhen, aur agar aap mere channel pe pehli baar aaye hain to channel ko please subscribe karna na bhoolein. Sabse pehle jante hain indigestion ke kuch common symptoms. तो इनडाइजेशन या अपच के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, अपर एब्डोमेन में पेन, डिस्कम्फर्ट या जलन महसूस होना, ज़्यादा ना खाने पर भी पेट भरा हुआ महसूस होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना और डकार आना, जी मिचलाना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया और भूख कम लगना. अब दोस्तों हम इनडाइजेशन के कुछ कारणों को समझते हैं. तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल या फिर कोई डिजीज़ या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है. तो मतलब अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या आप ठीक से चबा के नहीं खाते, या जब आप बहुत जल्दी खाते हैं, या आप अपनी डाइट में बहुत ही ऑयली या स्पाइसी फूड लेते हैं, तो आप एक टाइम पे बहुत हैवी मील्स ना लें, बल्कि थोड़ा गैप रखकर स्मॉल एंड लाइट मील्स लें. बहुत ज़्यादा कैफीन, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और स्मोकिंग करने से और खाने के बाद तुरंत सोने से भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. सो फ्रेंड्स, ईटिंग हैबिट्स, डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है. और फ्रेंड्स, कुछ डिजीजेस या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या एसिड रिफ्लक्स, स्टमक इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग, अल्सर्स, इरेगुलर बोल सिंड्रोम, फूड एलर्जीज वगैरह से भी इनडाइजेशन हो सकता है. साथ ही कुछ मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेने से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी. स्टमक एसिड कम होने से भी एसिड रिफ्लक्स डिजीज और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है. तो आप इसके उपाय के लिए एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिक्स करके ले सकते हैं. बस ध्यान दें कि अगर आपको अल्सर या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है तो एप्पल साइडर विनेगर नहीं लें. तो सबसे पहले इन कारणों को समझकर भी आप इनडाइजेशन की प्रॉब्लम का सही इलाज कर सकते हैं. दोस्तों, आप कुछ होम रेमेडीज या घरेलू उपाय करके भी इनडाइजेशन के सिम्टम्स से आराम पा सकते हैं. तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए कुछ बहुत ही आसान होम रेमेडीज देखते हैं. इनडाइजेशन या अपच की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम कुछ बहुत ही आसान होम रेमेडीज या घरेलू उपाय देखते हैं. तो आपको एक ग्लास गर्म पानी लेना है. उसमें आप करीब एक टीस्पून अदरक का रस मिला दें, करीब एक टीस्पून नींबू का रस, एक पिंच काला नमक और एक पिंच काली मिर्च का पाउडर. आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इस ड्रिंक को आप दिन में दो बार खाने के बाद ले सकते हैं. फ्रेंड्स, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अब हम दूसरा होम रेमेडी देखते हैं. तो आपको एक ग्लास गर्म पानी लेना है. इसमें करीब वन टीस्पून नींबू का रस मिला दें, एक पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक पिंच काली मिर्च का पाउडर और एक पिंच काला नमक. इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें. इस ड्रिंक को आप दिन में एक से दो बार ले सकते हैं. फ्रेंड्स, अब इनडाइजेशन के लिए हम अपना थर्ड रेमेडी देखते हैं. तो इसके लिए लेना है आपको एक ग्लास गर्म पानी. इसमें आप करीब एक पिंच सौंठ डाल दें, यह है ड्राइड जिंजर पाउडर, एक पिंच काली मिर्च का पाउडर और एक पिंच सेंधा नमक. इसे अच्छे से मिक्स कर लें. आप इस ड्रिंक को खाने से पहले ले सकते हैं, करीब 45 मिनट्स पहले ले सकते हैं. फ्रेंड्स, हम अब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए अपनी नेक्स्ट होम रेमेडी देखते हैं. तो इसके लिए लेना है आपको दही और पानी मिक्स करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले, मतलब जैसे नॉर्मली आप छाछ
बनाने के लिए लेते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही जरा सा हींग, एक पिंच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक पिंच काली मिर्च पाउडर और काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप दिन में एक से दो बार ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे सुबह ले सकते हैं और दिन के खाने के बाद ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब इनडाइजेशन या अपच की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी देखते हैं। तो इसके लिए बस आपको एक अदरक का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के इसे आपको खाने के कुछ देर पहले चबा चबा के लेना है। और अगर आप चाहें तो आप अदरक को घस सकते हैं और इसमें सेंधा नमक ऐड करके भी इसे ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो इसे आप अपने बच्चों को टेस्ट के लिए खाने के साथ दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इनडाइजेशन के लिए और भी कुछ उपाय कर सकते हैं। आप दालचीनी का एक टुकड़ा लें और इसे कूट लें, फिर एक ग्लास पानी में उबाल लें और पानी गुनगुना करके खाने के करीब आधा घंटा पहले ले सकते हैं। इसके अलावा पुदीना के पत्ते भी इनडाइजेशन होने पर लिया जा सकता है। आप पुदीना के पत्तों को छास नींबू पानी में डालकर ले सकते हैं। आप मिंट टी पी सकते हैं या इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। Thanks for watching.